हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फंटासी पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में देख रहे हैं ड्रीम इलेवन जावाइन का टीटन का जो थर्ड और फोर्थ प्लेस प्लेऑफ मैच खेला जाने वाले यहाँ पर मिडिलसेक्स टाइटन वर्सेस यूनाइटेड स्टार्स के बीच उसके मैच प्रीव्यू। तो इस प्रीव्यू में आपको क्या क्या देखने को मिले सबसे पहले एक बार वो देख लीजिए। यहाँ पर डेट टाइम वेदर वेन्यू के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, उसके साथ यहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या रहेंगे, यहाँ पर एवरेज स्कोर कितना बनते हैं, टोटल मैच कितने खेले गए अभी तक, साथ में यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड का क्या रिकॉर्ड है, आज का मैच प्रेडिक्शन क्या रहेंगे और दोनों टीम के लिए जो प्रॉबल प्लेइंग सही खिलाने वाले हैं यहाँ पर उनमें से ही आपको कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर अच्छा खेलते हैं, रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस के स्टैट्स सारे बातें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ सबसे पहले आपको देखिए स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस के बारे में बता दिया जाएगा, गैटलिक पिक्स यहाँ पर क्या रहेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आप यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए ताकि एक एक बात आपको डीपली समझ आए तो आप एक अच्छा टीम बना पाए। जैसे कि आप देख सकते हो जमैका टी टेन लीग्स में हमारे पूरा का पूरा क्लीन स्वीप हो रहा है हर मैच में। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो अभी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमने जो बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग का टीम देते हैं उसी के साथ हम लगातार विनिंग कर रहा है। तो अगर आपको भी विनिंग करना है तो आप जाइए अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर @ टारगेट इन फैंटेसी लीग के सर्च कीजिए और 170 प्लस वाला आपको सब्सक्राइबर वाला चैनल मिल जाएंगे तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अगर आपको लिंक चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएंगे और लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करके आप आसानी के साथ वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी चलते हैं मैच की तरफ। मिडिलसेक्स टाइटन वर्सेस यूनाइटेड स्टार्स के बीच ये मैच खेला जाने वाला है आज रात को 12 बजे, मतलब यहाँ पर 5 मई 2022 को ये मैच खेला जाएगा, रात को 12 बजे इंडियन टाइम के अनुसार ये मैच खेला जाएगा। देखिए वेदर कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउड रहने वाला है, मतलब अगर बारिश की कोई चांसेस आए, फर्दर न्यूज़ कोई आए तो हम आपको टेलीग्राम पर जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। वेन्यू यहाँ पर रहने वाला है सबाइन पर किंगस्टन जमैका में ये मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज पर। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगी, यहाँ पर प्रेशर फ्रेंडली भी रहने वाला है, थोड़ा सा बैलेंस्ड पिच रहेंगे यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज स्कोर आप देख सकते हो 86 से लेकर यहाँ पर 97 तक स्कोरिंग पैटर्न रहता है। जैसे ही आप यहाँ पर देखें कि 6 से 7 विकेट जरूर निकलता है हर एक इनिंग्स पर और लास्ट टोटल 30 मैचों में यहाँ पर 12 मैच बैटिंग फास्ट करने वाले जीता और 17 मैच यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीता और यहाँ पर 16 मैच अबैंडन हो गए हैं यहाँ पर बारिश के कारण शायद। और आज की मैच प्रेडिक्शन की बात कर ले थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर MIT की टीम 30% जीतने वाली है जहाँ पर UNS की टीम यहाँ पर 70% जीतने वाली है, क्योंकि देखिए UNS की टीम बहुत ही स्ट्रांग है मोर देन यहाँ पर MIT, तो इसलिए UNS को हम फेवरेट मानते हुए यहाँ पर चलेंगे और टीम भी बनाएंगे। रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस विथ प्रॉबल प्लेइंग से देख लेते हैं एक बार। MIT की बात करते हैं, यहाँ पर ब्रायन क्लार्क वेन डेविस के साथ ओपनिंग करेंगे, उसके साथ यहाँ पर नंबर 3 पर आ जाएंगे TN ऑसबोर्न, नंबर 4 पर आएंगे ट्रिस्टन कोलमैन विकेट कीपरिंग ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, जेमी मर्चेंट नंबर 5 पर आएंगे, एरोल थॉमस 6 नंबर पर, नंबर 7 पर आएंगे क्रिसमर संतोखी, नंबर 8 पर जेमिन मॉर्गन, नंबर 9 पर यहाँ पर ब्रायन बुचानन, 10 नंबर पर रोमन फ्रैंकिस और 11 नंबर पर सेवन ग्रैंड। तो ये जो प्लेइंग से खेला गया है इनमें से आप देख लीजिए रिसेंट स्टेट्स कौन कौन से प्लेयर का अच्छा है। ब्रायन क्लार्क लास्ट में 15 रन बनकर आ रहा है, वेन डेविस 47 रन और 17 रन, TN ऑसबोर्न लास्ट में 2 रन, ट्रिस्टन कोलमैन लास्ट में 21 रन प्लस 9 रन, जेमी मार्चेंट यहाँ पर 2 रन और 15 रन करके आ रहा है, एरोल थॉमस यहाँ पर लास्ट में 1 रन और 2 विकेट, क्रिसमर संतोखी यहाँ पर लास्ट में 1 रन और 2 विकेट निकाला है, जेमिन मर्चेंट यहाँ पर देखिए 13 रन 0 रन और 1 विकेट निकाला, ब्रायन बुचानन यहाँ पर 1 विकेट 1 विकेट निकाला, टोटल लास्ट मैच में दो मैचों में 2 विकेट निकल कर आ रहा है। फ्रैंकिस और ग्रैंड की लास्ट मैच में कोई स्टैट्स नहीं है लेकिन फिर भी ये दो प्लेयर्स बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से देखिए MIT की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके टीम पर मस्ट पिक रहना चाहिए अपने स्मॉल लीग के टीम पर। ब्रायन बुचानन, मॉर्गन, क्रिसमर संतोखी का कैप्टनसी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, एरोल थॉमस, मर्चेंट और कोलमैन साथ में डेविस, तो ये 7 प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही बड़ा चॉइस रहने वाला है, मस्ट पिक रहने वाला है। आप इनमें से ही 4, 5, 6, 7 जितने कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्मॉल लीग की बात कर रहे हो हम, लेकिन ग्रैंड लीग पर आप कोई भी प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो यहाँ पर। अभी चलते हैं यहाँ पर UNS की तरफ, देख लीजिए UNS की प्रॉब्लम प्लेइंग से क्या रहने वाला है। एलन विलियम्स यहाँ पर एस एंडरसन के साथ यहाँ पर ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर आएंगे एंटोनी वॉल्टर्स विकेट कीपरिंग ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, जॉन कैम्बल यहाँ पर देखिए कैप्टनसी कर रहा है अपनी टीम के लिए, नंबर 5 पर डेमन एसयूएल, नंबर 6 पर यहाँ पर टी डेले लास्ट में बहुत ही अच्छा किया, हमको हमारा टीम का यहाँ पर वन से रन करवा के गए, स्कायन विल्सन, डेरन स्मॉल 8 नंबर पर, मिचेल थॉमसन यहाँ पर, माइकल थॉमसन नंबर 10 पर, यहाँ पर ओजे सील्स नंबर 11 पर, अंदर गॉर्डन। तो यहाँ पर स्टैट्स देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा स्टैट्स मिलेंगे आपको। देखिए एलन विलियम्स यहाँ पर 40 रन 45 रन 7 रन 35 रन 2 रन 12 रन 19 रन 21 रन,
बहुत ही एक अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब अच्छे टच पर है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कर सकता है। इसको आप देख सकते हो विकेट की, मतलब विकेट लेने की टाइम यहाँ पर देखिए 2 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, लास्ट 3 मैच में यहाँ पर 4 विकेट निकाला, बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है आपके लिए। एंडरसन की बात करें, यहाँ पर विलियम से ज़्यादा ये फ्लॉप चल रहा है, 22 रन 16 रन 0 रन, मतलब 3 मैच में यहाँ पर टोटल 38 रन बनाया है। एंटोनी वाल्टर्स की बात करें, 32 रन 9 रन 9 रन 8 रन 18 रन 0 रन 36 रन 3 रन, तो ये आपके लिए अच्छा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है जो विकेट कीपर। जॉन कैम्बल की बात करें, अपनी टीम के लिए कैप्टनसी कर रहा है, यहाँ पर 0 रन 82 रन 14 रन 5 रन 67 रन 69 रन 2 रन और 38 रन, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, कैप्टनसी कर रहा है अपनी टीम के लिए, इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं। डमानी शियर की बात करें, 3 रन 3 रन 14 रन 6 रन 8 रन 7 में 2 विकेट 1 विकेट निकाला। टायरन डेले लास्ट 6 मैचों में यहाँ पर देख लीजिए, 0 रन 1 रन 1 रन 2 रन 6 रन, लास्ट 5 मैचों की स्कोर यहाँ पर आपके सामने है। लास्ट 5 मैच पर विकेट देख लीजिए, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब ये बैटिंग में रन नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लिए विकेट जरूर निकाल कर देंगे। स्काइन विल्सन की बात करें, यहाँ पर लास्ट 5 मैचों में 6 रन 6 रन 12 रन 1 रन 4 रन। डेरेन स्मॉल देखिए लास्ट में 0 रन करके आ रहा है। माइकल थॉम्सन यहाँ पर देखिए लास्ट 6 मैचों में 5 मैचों में यहाँ पर 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट निकाला। ओजे सील्ड देखिए लास्ट 6 मैचों में यहाँ पर 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब बहुत ही बढ़िया फंपर है। तो फिलहाल देख लीजिए कौन से प्लेयर आपके लिए यूएनएस की तरफ से मस्ट पिक रहने वाले हैं। और यहाँ पर और एक प्लेयर रोए रह गई जो कि अंडेल गार्डन, देखिए लास्ट 3 मैच में 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये भी आपके लिए बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहले एक बार देख लीजिए स्मॉल लीग का जो आपके लिए बेस्ट चॉइसेस रहने वाले हैं, यहाँ पर अंडेल गार्डन है, ओजे सील्स, माइकल थॉम्सन, टी डेले, जॉन कैम्बेल, वाल्टर्स और साथ में यहाँ पर एलविन विलियम्स, तो ये प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं एज ए स्मॉल लीग प्लेयर्स। अभी देख लेते हैं हम स्मॉल लीग का कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस क्या रहने वाला है। जॉन कैम्बेल, एलविन विलियम्स, ओजे सील्स और अंडेल गॉर्डन, ये 4 टॉप ऑप्शन आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के चॉइस पर रहने वाले हैं। गैनली पिक्स थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ब्रायन बुसानन है, क्रिसमस सांतोगी है, एरल थॉमस है, ओएन डेविस है, माइकल थॉम्सन है, 7 गेंद है। देखिए 6 ऑप्शन क्यों, क्योंकि ये 6 प्लेयर्स ही स्मॉल लीग का प्लेयर्स है। आपको गैनली पिक्स पर क्या करना चाहिए, इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के थोड़ा सा अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर 20 टीम बना के यहाँ पर गैनली पिक्स ज्वाइन करना है, तभी जाकर आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो आप अगर एक स्मॉल टीम की कॉम्बिनेशन बनाई और 1-2 प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ रोटेशन मारते हुए यहाँ पर निकाल दिए टीम, तो आपको तभी जाकर कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये 4 प्लेयर्स को ले लीजिए, यहाँ पर ये 6 प्लेयर्स को ले लीजिए, एक अच्छा सा टीम बनाए, फिर यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन को हमेशा के लिए रोटेशन करते रहो, तब जाकर आपको यहाँ पर एक अच्छा फायदा मिलेगा कि आपका टीम हाई रैंक पर जाए और आपको एक अच्छे विनिंग लाए। तो फिलहाल ये स्टार्स एनालिसिस की बात, अभी चलते हैं डीमल की तरफ, वहाँ पर हमने एक टीम बना के आपको दिखाएंगे जो कि हमारे डेमो और सेफ स्मॉल लीग की टीम रहने वाला है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर। तो चलते हैं यहाँ पर डीमल की तरफ, यहाँ पर देखिए टी कुलमैन, ए वाल्टर्स, डी स्मॉल, 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर। लेकिन फिलहाल हमारे टीम पर रहने वाला है टी कुलमैन, जो कि बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर आप वाल्टर्स को भी ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग पर, लेकिन थोड़ा सा इसकी हो जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हो कि आप डी स्मॉल और वाल्टर्स को गैन लीग्स पर ट्राई कर लीजिए। बैटिंग ऑप्शन पर देख लीजिए, जे कैम्बेल है, डब्ल्यू डेविस, उसके साथ यहाँ पर जे मॉर्गन, जो कि बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहने वाले। आप चाहे तो यहाँ पर ए कैम्बेल को भी ले सकते हो, उनके साथ आपको मिलेंगे ए कैम्बेल, उनके साथ एस एंडरसन मिल जाएंगे आपको, एस विल्सन मिल जाएंगे। एस विल्सन अगर ओपनिंग करे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल हमारे टीम पर रहने वाला है जे मॉर्गन। टॉप 3 ऑप्शन हमने पिक कर लिया। देखो विकेट कीपरिंग ऑप्शन, अरे सॉरी ऑलराउंडर ऑप्शन पे यहाँ पर रहने वाला है ए विलियम्स, ई थॉमस, जे मर्चेंट और यहाँ से डी स्वेल। टॉप 4 ऑप्शन को हमने हमारे टीम पर ले लिया। देखिए ये एक डेमो टीम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉप सेफ ऑप्शन है उनको हमने हमारे टीम पर रखा, लेकिन फाइनल टीम पर अगर जैसे जैसे चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जाइए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। बॉलिंग ऑप्शन पर देख लीजिए, यहाँ पर किस्मत शांत करेंगे, वो सिल्स रहेंगे, अंडल गॉर्डन रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऑलराउंडर में से एक प्लेयर को हटाकर यहाँ पर बी बुसानन को भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पर माइकल थॉम्सन और टी डेले डेले इन दोनों में से कोई एक को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सी ग्रैंड भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ए सलेन अगर खेले तो ये बैटिंग में आप दी ऑर्डर आएंगे, 2 डाउन या 3 डाउन बैटिंग करने आएंगे, तो इसलिए ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर खेले तो हम आपको टेलीग्राम पर जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। तो देखिए फिलहाल ये रहेगा हमारा डेमो टीम। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए हमारा सेव करने वाले ए विलियम्स और सेव वाइस कैप्टन यहाँ पर रहने वाला है जे कैम्बेल। सेव करके आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए हमारे टीम पर रहने वाला टी कोलमैन विकेट कीपर ऑप्शन पर। बैटिंग ऑप्शन पर देख लीजिए, जे कैम्बेल, जे मॉर्गन, डब्ल्यू डेविस, जे मर्चेंट, ए विलियम्स, डी सेवेल, ई थॉमस, किस्मत सांतोगी, ओ सील्स, ए गॉर्डन। तो फिलहाल 11 प्लेयर्स को लेकर हमारा डेमो टीम बन रहा है,
और यहाँ पर कैप्टन जो हमारे रहने वाले एलन विलियम्स, वाइस कैप्टन यहाँ पर रहने वाले बिल्कुल सेफ जे कैम्बेल। आपको यहाँ पर गैन लिस्ट पर क्या करना है देख लीजिए, एरोल थॉमस, डब्ल्यू डेविस, जे मर्चेंट, ओ सिल्ट, डी स्वेल। तो ये पांच ऑप्शन के साथ आपको गैन लिस्ट पर एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन जाना पड़ेगा। देखिए अगर आप स्मॉल लीग का जो सेफ कॉम्बिनेशन है उसको ही रखना चाहते हो तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कैप्टन और वाइस कैप्टन को चेंज कर देना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा और एडवांटेज मिल जाए ग्रैंड लीग्स पर। देखिए स्मॉल लीग की तो बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो टीम तो हम बता चुके हैं, वो मतलब सारे एनालिसिस भी हम कर चुके हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा सा आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप अगर स्मॉल लीग का टीम लेकर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए। पहले तो आपको बताऊँ कि स्मॉल लीग की टीम पर ग्रैंड लीग नहीं है जीती जा सकी, तो इसलिए आपको ग्रैंड लीग्स के लिए एक अच्छा टीम बनाना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन आपके पास हो तभी जाकर आपको ये जीत मिल सकती है। तो आपको ये पांच जो प्लेयर्स हमने अभी मार्क किया तो इनके साथ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन पर जाइए, आपके लिए अच्छा हो सकते हैं। तो फिलहाल ये रहेगा हमारा स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस अपडेट आप तक पहले मिल सके। एक अच्छा सा टीम बनाए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।